Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue the Little Bin chapter 11. Suddenly, Little Bin अपने बेडरूम के बाहर विंडो से देखती है, उसके सामने की प्लेस पर थोड़ी चेंजेस हो रही है। जहाँ पे बहुत लंबी लंबी घास थी एक इंसान की हाइट की, वहाँ एक येलो रोलर उन सबको काट रहा था। और धीरे धीरे वो सब कुछ क्लीन हो जाती है और इंसानों की भी भीड़ जम जाती है। क्या आपको पता है प्रिंस वहाँ पे कौन सी बिल्डिंग बना रहा है? लिटिल बिन एक दिन डिनर पे प्रिंसेस पद्मिका को पूछ लेती है, कॉज वो अपनी क्यूरियोसिटी और हाइट नहीं कर पा रही थी। तो उसके इस क्वेश्चन का प्रिंसेस पद्मिका आंसर देती है कि प्रिंस वहाँ पर एक बिल्डिंग बना रहा है प्रिंसेस अनिल के लिए। अनिल जब लंदन से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके थाईलैंड वापस आएगा तो प्रिंस उन्हें ये बिल्डिंग गिफ्ट करेगा। एक्चुअल में ये प्रिंसेस अनिल की ही डिमांड थी। अनिल के नाम सुनकर लेडी बिन की हार्ट बीट एकदम गार्डन गार्डन हो जाती है। प्रिंसेस अलीशा जब 2 मंथ्स पहले प्रिंसेस अनिल से मिलने के लिए गई थी तो अनिल ने ही उन्हें बताया था कि ग्रेजुएशन के बाद उन्हें वो गिफ्ट चाहिए। तो अनिल जिन्होंने आर्किटेक्चर के एजुकेशन कंप्लीट की तो उन्होंने ही इस पैलेस की एक प्लान की थी और प्रिंस को हैंडओवर की थी। वो बहुत पहले से ही चाहती थी कि बुआ चंपू पैलेस के चारों ओर वो और भी छोटी छोटी पैलेस बनाए और उसके चारों ओर बड़े बड़े पाइन्स रहे। पैलेस की नाम होगी द पाइन पैलेस। ओके, द पाइन पैलेस। लिटिल बिन ये वर्ड खुद से ही अगेन रिपीट करती है। लिटिल बिन को वो ड्राइंग याद आ जाती है जो अनिल ने स्टडी रूम पर बनाई थी और उन्होंने कहा था कि वो लिटिल बिन के साथ उस पैलेस पर रहना चाहती है। वेल, यहाँ पे स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट हमें दिखा जाती है लिटिल बिन जो कि अनिल की पिक्चर को ऑलवेज अपने साथ रखती थी। वो सोने से पहले उसकी फ़ोटो देखती ही रहती थी जब तक उन्हें नींद नहीं आ जाती है। फिर उस फोटो को वो गुड नाइट कहती है और सो जाती है और फिर मॉर्निंग होते ही उस फोटो को कहीं पर छुपा देती है। खुन खुन पिन लेडी प्लांटिटा माय लेडी। सुनी, मैं तुम्हारे पास में ही बैठी हूँ, तुम इतना लाउडली क्यों मुझे बुला रहे हो? बट माई लेडी, मैं तो आपको बहुत धीरे से बुला रही हूँ। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो आप थनित से अर्ज करो ना। सुनी थनित की ओर देखती है। वेल, सुनी जो है वो लेडी पेन की बेस्ट फ्रेंड है और कुछ यूनिवर्सिटी की और भी उनकी फ्रेंड्स आए और वो लोग एक साथ एक ट्री के नीचे बैठी है। मैं सुन रही हूँ, पर तुम लोग मुझे क्यों बुला रहे हो? लेडी पेन कहती है। वेल, तो सुनी कहती है कि आज शाम के बाद उनके कोई क्लासेस नहीं है और वो घर तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती है और थनित ने उन सबको एक कैफ़े पर आइसक्रीम के लिए इनवाइट किया है। ओके, थनित आई थिंक एक बॉय है जो कि लेडी बिन के ऊपर थोड़ी उसका क्रश था, पर लेडी बिन तो उसे कोई भाव भी नहीं देता है। और थनित को अच्छे से पता है कि लेडी बिन के साथ बात करना इतना ईजी नहीं है। ओके, तो अगले सीन में लेडी बिन अपने सारे फ्रेंड्स के साथ कैफ़े में होती है। लेडी बिन के सामने एक लंबी सी ग्लास पर वैनिला आइसक्रीम होती है। आपकी आइसक्रीम गल रही है लेडी बिन, कविन कहता है। कविन एक बॉय था। वो धीरे से कहता है और बस स्माइल करता है। क्या आप वैनिला आइसक्रीम पसंद नहीं करते हो लेडी बिन? वो बॉय कहता है। पर लिटिल बिन कोई आंसर नहीं देती है, वो बस उस पिघलते हुए आइसक्रीम की ओर देख रही थी। उस आइसक्रीम की कलर स्ट्रॉबेरी की तरह थी। लिटिल बिन बस उसे देखते हुए यही सोच रही थी कि क्या वो कभी अनिल को लेकर इस कैफ़े में आएगी। अनिल आइसक्रीम की कौन सी फ्लेवर पसंद करती है? अभी तक के लिए जितनी लेटर में थी, अनिल को चॉकलेट सबसे ज़्यादा पसंद है। वो कोई भी डिज़र्ट से सबसे ज़्यादा चॉकलेट पसंद करती है। लेटर में उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक दिन बहुत सारी चॉकलेट खा ली थी।
पर वहाँ की चॉकलेट यहाँ की चॉकलेट की तरह स्वीट नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर डार्क चॉकलेट ही मिलती है। शायद लेडीपिन को ये कैफ़े पसंद नहीं है। मैं तुम्हें एक और कैफ़े सजेस्ट कर सकता हूँ। मैं इतनी आसानी से इस आइसक्रीम को वेस्ट नहीं करने दे सकता हूँ। थनीत स्माइल करता है और काविन की ओर एक चैलेंजिंग आई से देखता है। अच्छी कैफ़े? यहाँ और कोई अच्छी कैफ़े है ही नहीं, काविन कहता है। ये यहाँ की बेस्ट कैफ़े है और ये आइसक्रीम यहाँ की सबसे बेस्ट आइसक्रीम है। वो दो लड़का बस अपने आप में फाइट कर रहा था और लेडीपिन वो तो बस अनिल के लेटर्स के बारे में ही सोचती है। उसकी ध्यान हटती है तब जब उनमें से कोई टेस्ट के बारे में कुछ कहता है। टेस्ट, लेडीपिन को कुछ याद आ जाती है। अनिल ने लेटर में कुछ कहा था, लोग यहाँ पे ओपनली किस करती हैं, कोई पुराने बिल्डिंग में, कोई ओपनली पार्क में या फिर कोई लाइब्रेरी में। यहाँ पे किस करना बहुत ही कॉमन बात है और सब लोग बहुत ओपनली करते हैं और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ और मैं किसी को पूछ भी नहीं सकती हूँ कि आखिर किसकी टेस्ट कितनी स्वीट है। लेडीपिन, क्या आप जानना चाहते हो मैं क्या सोचती हूँ, किसकी टेस्ट कैसी होती है? लेडीपिन जब इसको इमेजिन करती है तो उसकी फेस एकदम रेड हो जाती है और वो अनिल को थोड़ी डांटते हुए कहती है, अनिल तुम्हें इतने टफ क्वेश्चन पूछना ही क्यों है? तो लेडीपिन जो कि रियलिटी में कभी थी ही नहीं, वो बस अनिल के बारे में ही सोचती रहती है। वो कभी बहुत शांत हो जाती है, कभी अपने आप में ही स्माइल करती है, कभी उसकी फेस एकदम रेड हो जाती है, लाइक एक गर्ल जब किसी के प्यार में पड़ती है। लेडीपिन के सारे फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर ही बात करती है। तभी एक और फ्रेंड लेडीपिन की, ज़्यादा वो कहती है कि जब से वो लेडीपिन से मिले हैं वो तो फर्स्ट टाइम से ही ऐसे ही थी। वेल, तो अगले सीन में वो सब लोग लेडीपिन को उसके बुआ चंपू पैलेस पर छोड़ आती है। पैलेस पर वो लोग नहीं जाती है बिकॉज वो लोग प्रिंसेस पद्मिका से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। वेल, सो एक दिन जब लेडीपिन और पिक पैलेस पर थी तभी प्रिंसेस पद्मिका आकर कहती है कि खुनको आया है और उनसे मिलना चाहता है। बट इधर लेडीपिन खुनकुआ को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, वो बस उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है। बट खुनकुआ जो बस लेडीपिन की अटेंशन पाना चाहता है, तो प्रीक के साथ लेडीपिन उससे मिलने के लिए जाती है। हेलो सिस्टर, खुनकुआ कहता है और स्माइल करता है। लेडीपिन भी उसे हेलो कहती है। आप बार बार बुआ चंपू पैलेस पर आते हो, क्या ये आपकी गवर्नमेंट जॉब है? ओ प्लीज़ सिस्टर, ऐसे मत बोलो, खुनकुआ कहता है। खुनकुआ लेडीपिन की इतनी कड़वी बातों से थोड़ी वाकिफ है। वो जानता है लेडीपिन बाहर से जितना सॉफ्ट दिखता है अंदर से उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं तो बस आई हो अंडी पद्मिका को ये स्वीट देने के लिए जो कि मेरी मॉम ने भेजी है। ओके, तो अगर आपको स्वीट देना हो गया है तो क्या प्लीज़ अब यहाँ से जाओगे? लेडीपिन कहते हैं। सिस्टर, तुम इतने रूड क्यों हो रहे हो? मैं तो बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। प्रीक खुनकुआ की ओर देखती है। प्रीक को खुनकुआ पसंद है कॉज वो एक चाइनीज़ फैमिली से बिलोंग करता है। उसका स्किन बहुत ही ग्लोइंग था और उसकी बातें, उसकी फेस उसे बहुत पसंद है। ओके, मुझे आपसे अदर्स कोई बात नहीं करनी है, अगर आपके पास कोई काम की बात है तो ही मैं करूँगी। और प्रीक भी यहाँ मेरे साथ ही होगा, तो आपको जो भी बताना है उसके सामने ही बताना होगा। खुनकुआ प्रीक की ओर देखता है। प्रीक बस उसे देख कर स्माइल करती है। वो बस उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है पर वह इतनी ज़्यादा ही स्माइल करती है लाइक उसे थोड़ी इंसल्ट हो जाती है। तो खुनकुआ अपनी सारी बातें
लेडीबिन से पूछता है, पर लेडीबिन उसका कोई आंसर नहीं देती है। और इधर प्रीक जो कि बस अपने ही काम कर रही थी, वो अपने फिंगर को काउंट करना स्टार्ट करती है। वो 7 फिंगर्स ऊपर करती है एंड देन 5 फिंगर्स नीचे करती है, तो बचती है 2 फिंगर्स, यानी कि प्रिंसेस अनिल को आने में बस 2 साल बाकी है। वेल, तो प्रिंसेस अनिल की आने तक लेडीबिन खुद को एक ब्यूटीफुल गॉर्जियस पर्सन बना रही थी। और प्रीक जो कि डे बाई डे अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, प्रिंसेस अनिल ने जो उसे कही थी कि लेडीबिन की पूरी ध्यान रखने के लिए, तो प्रीक भी अपनी पूरी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाती है। और कुआकियात को रोकने के लिए भी वो अपने दिमाग में एक लेटर रेडी कर लेती है, इस चाहत में कि आज शाम को ही वो लेटर वो कंप्लीट करेगी। माई डियरेस्ट प्रिंसेस अनिल, आई इम्प्लोर यू, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ वापस आ जाओ, यहाँ पे लेट होते जा रही है, यहाँ एनिमीज के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रिक प्रिक, ऑल राइट क्यूटीज, और इसी के साथ द लाल पेन की ये चैप्टर एंड होती है। सी यू सून इन नेक्स्ट एपिसोड, ओप्स नेक्स्ट चैप्टर, सी यू सून इन नेक्स्ट चैप्टर, लव यू गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।